एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था। इसमें हमारा पहला मांग है किसानों के कर्जा माफी होनी चाहिए, दूसरा मांग है किसानों के 2100 रुपया समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, 300 रुपये बोनस मिलना चाहिए, तीसरी और उसके बाद चौथी मांग है जो जनपद पंचायत में जो ODF में जो घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद अवैध जो बिजली कटौती है वो बंद होनी चाहिए। नगर पंचायत की बहुत सारी समस्या है, यहाँ पर लगातार दूषित जल पिलाया जा रहा है लोगों को, 2 बार हो गया घटना, उसके बावजूद आज तक किसी भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो सभी मांगों को लेकर हम लोग आज एक दूसरी धरना दिए। उसमें में जो घटना घटी है वो किसानों के ऊपर जो डकैती का जो दर्ज किया गया उसकी जाँच होनी चाहिए, ऐसे 10 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग एक दूसरी धरना दिए और तहसीलदार को माध्यम से हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं कि सभी मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, इसको लेकर आज हम लोग एक दूसरे आगे की रणनीति हमारी लड़ाई जनता कांग्रेस माननीय जी जोगी जी के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखेगी। जब तक ये सभी मांग पूरे नहीं हो जाते हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जल आंदोलन हम लोग लगातार चला रहे हैं, हमारी मांग है कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट भारत चाहिए, हर किसान के खेत में पानी चाहिए, हम लोग पानी की मांग कर रहे हैं, हर किसान के खेत में पानी पहुँचाना है। तांदुला में लिंक नहर का निर्माण होना चाहिए और वहाँ से जो पानी है आपके बेमेतरा विधानसभा में डबल फसल के लिए रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध होना चाहिए, ये सभी मांगों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं और अगस्त के महीने में हम लोग तांदुला से लेकर बिरला तक हम लोग पद यात्रा भी करने जा रहे हैं, गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, लगातार जल आंदोलन चला रहे हैं। तो हमारे आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जारी रहेगी। कुछ भी मामले को लेकर लगातार जनता कांग्रेस आगे आ रही है, कैसा रवैया रहा है पुलिस के इस मामले को लेकर? प्रशासन का इसमें गलत रवैया रहा, हम लोग ऊपर भी जांच की मांग करेंगे कि डकैती जैसे धारा का उपयोग किसानों के ऊपर करना कहां तक जायज है, ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये सरासर गलत है। डकैती किस मामले में लगता है हर आदमी जानता है, हर इंसान जानता है, लेकिन 10-20-25 बोरी सीमेंट गायब हो जाने से अज्ञात लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करना छोड़ के किसानों के ऊपर जुर्म दर्ज किया गया ये गलत है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं।